हेलो एवरीवन, दिस इज शहाब लोधी। और आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ बोर एंड स्ट्रोक पे। ये मेरी कुछ चौथी रिकॉर्डिंग है जो कि रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले सारी रिकॉर्डिंग्स मेरी ख़राब हो गई। या तो वो गोप्रो साहब ने इतनी ज़्यादा वाइट कर दी वीडियो, और एक दफ़ा मेरी वॉइस क्वालिटी इतनी लो आई जिसकी वजह से मैं कल भी अपलोड नहीं कर सका। Everything happens for good, no problem. आगे जाने से पहले a soft reminder, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू इट। बोर एंड स्ट्रोक क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम बात बात करते हैं। जब भी आप कोई गाड़ी या बाइक लेते हैं तो उसके अंदर इंजन स्पेक के अंदर बोर एंड स्ट्रोक का जिक्र किया होता है, बोर क्रॉस स्ट्रोक लिखा होता है। बोर एंड स्ट्रोक कहते किसको हैं? बोर जो होता है आपका, आपको पता है कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा होता है, और इस रेसिप्रोकेटेड मोशन को वो चेंज कर रहा होता है सर्कुलर मोशन के अंदर। इस जस्ट सेम लाइक के जैसे हम साइकिल को पैडल मारते हैं, ऊपर नीचे टांगे करते हैं, और पैडल के थ्रू हम सर्कुलर मोशन को अचीव करते हैं, और वो आपके पिछले व्हील तक जा रहा होता है। इसी तरह पिस्टन भी रेसिप्रोकेटेड मोशन के थ्रू एक सर्कुलर मोशन को अचीव कर रहा होता है। अब जो बोर होता है ना, वो ये होता है कि कितना चौड़ा पिस्टन का सर है, कितना बड़ा पिस्टन का सर है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डाया है, सिलेंडर का डाया कितना है, उस सिलेंडर या पिस्टन का डाया कितना है, वो आपका बोर कहलाता है। और स्ट्रोक कहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जो ट्रेवल है पिस्टन, कितना लंबा चल रहा है, वो आपका स्ट्रोक कहलाता है। बोर एंड स्ट्रोक और सिलेंडर्स मिल के आपकी सीसी डिटरमिन करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि पाई आर स्क्वायर क्रॉस स्ट्रोक लेंथ क्रॉस नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ये तीनों मिल के आपको सीसी निकाल के देते हैं। और सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्यूबिक सेंटीमीटर्स जब आप किसी चीज़ का कहते हैं इसका मतलब आप उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, अगर एक ये YBR 125 cc का इंजन है तो इसका मतलब है कि 125 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इसका कंबस्टन चैम्बर है, जिसके अंदर वो पिस्टन और सिलेंडर के अंदर हम 125 cc का एयर फ्यूल रेशो मिक्स कर सकते हैं, और जो पावर आपको मिलेगी वो आपको व्हील पे डिलीवर होगी, जो कि 125 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का एयर फ्यूल रेशो कंबस्ट करने से मिलती है पावर। जो 1000 cc फोर सिलेंडर इंजन है वो 1000 cc ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्ट करके जो पावर निकालेगा वो पीछे मिलेगी, मतलब ज़्यादा एयर फ्यूल रेशो कंबस्शन कर सकता है वो। अब चूंकि बोर एंड स्ट्रोक मिलके सीसी निकालते हैं, तो कहीं पे बोर आपको बड़ा मिलेगा, स्ट्रोक छोटा मिलेगा, और कहीं पे स्ट्रोक बड़ा और बोर बड़ा, स्ट्रोक बड़ा और बोर छोटा, हाँ जो भी है समझ गए। और कहीं पे दोनों इक्वल भी मिलेंगे, जैसे कि आपके YBR के अंदर है, उसे हम स्केयर इंजन कहते हैं। जिसके बोर एंड स्ट्रोक इक्वल होते हैं उसको हम स्केयर इंजन कहते हैं, जिसका बोर बड़ा और स्ट्रोक छोटा उसे हम ओवर स्केयर इंजन कहते हैं, और जो इसका स्ट्रोक बड़ा और बोर छोटा हो उसे हम अंडर स्केयर इंजन कहते हैं। अब इन तीनों इंजन के आपको क्यों देखना चाहिए बाइक लेने से पहले? वो इसलिए क्योंकि आप बाइक ले तो लेते हैं उसकी शक्ल देख के, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो किस चीज़ में अच्छी है, वो क्या दौड़ में अच्छी है या चढ़ाइयाँ चढ़ने में अच्छी है। ओवर स्केयर इंजन जब आप लेते हैं जिसका बोर बड़ा और स्ट्रोक छोटा हो, तो ऐसे इंजन के अंदर आपके पास दौड़ की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी ब्रेक हॉर्स पावर ज़्यादा होगी। ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब है कि वो दौड़ में ज़्यादा है। ओवर स्केयर इंजन में आपको एक फ़ायदा मिलेगा, जो कि आपके ना मैंने बताया था कि जो इंजन होता है वो एक एयर पंप की तरह का होता है, ये एक एयर पंप होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। एयर पंप जितना अच्छा ब्रीथ कर सकता है, इंजन जितना अच्छा एयर को ब्रीथ कर सकता है वो उतना ही पावर डिलीवर कर सकता है। और ओवर स्केयर इंजन में आपके पास फ़ायदा ये होता है कि आप वेल्व्स का डाया बड़ा कर सकते हैं, और वेल्व्स का डाया बड़ा करने का मतलब है कि आप ज़्यादा एयर को इंडक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एनालॉजी के तौर पे, कि आप सौरभ साइकिल आपने देखी होगी, उसके बड़े बड़े पैडल हैं, बड़ा बड़ा टायर है, वो एक बंदा बड़े आराम आराम से सुकून से पैडल मार रहा होता है, लेकिन वो जा बड़ी स्पीड से रही होती है और ताकत से जा रही होती है। और एक ट्राई साइकिल होती है छोटे बच्चे की, जो कि बड़ा पड़ 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 करके मार रहा होता है पैडल, और
उसकी बड़ी स्पीड से ऊपर नीचे पाँव चल रहे होते हैं। तो जब आप बोर जो स्ट्रोक छोटा कर दें ना और बोर बड़ा हो तो वहाँ पे आपको आरपीएम ज़्यादा मिलते हैं, और जहाँ पे आप बोर बड़ा कर दें स्ट्रोक बड़ा कर देंगे वहाँ पे आपके वो टॉर्क ज़्यादा मिलेगी। टॉर्क आप कैसे देख सकते हैं, ब्रेक जो हॉर्स पावर है वो आपको दौड़ में नज़र आएगी, और जो टॉर्क है वो आपको नज़र आएगी कि आप पर यूनिट टाइम आप कितनी फोर्स लग रही है। जस्ट लाइक कि आप एक बोल्ट को टाइट करें, छोटे छोटे रेंज से टाइट करेंगे तो आपको ज़ोर बहुत लगेगा, और जब आप बड़े रेंज से टाइट करेंगे तो आपको ज़ोर कम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बड़ा स्ट्रोक देते हैं ना किसी चीज़ को तो वो टॉर्क में ज़्यादा हो जाती है, पर यूनिट टाइम फोर्स ज़्यादा लग रही होती है। हाँ, कितनी स्पीड से वो काम कर रहा है वो हॉर्स पावर है। तो आम अल्फाज में जितनी आप दौड़ आपको मिलेगी वो आपको बड़े बोर और छोटे स्ट्रोक में मिलेगी, और जितनी आपको चढ़ाई चढ़ने की है, मतलब आपने चढ़ाई पे खड़ी कर दी बाइक और वहीं से आपने एक्सलेटर दिया भर करके ऊपर जो चढ़ने एकदम वहीं से चढ़ाई से ओवरटेक करने की जो सलाहियत है वो आपको टॉर्क में मिलेगी, और वो आपको मिलेगी बड़े स्ट्रोक वाले इंजन में। बड़े स्ट्रोक वाला इंजन सस्ता होता है बनाने के लिए, और इसमें एक मज़े की बात ये होती है कि और जो बड़ा स्ट्रोक होता है उसकी कूलिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि वो एयर कूल्ड इंजन होते हैं ज़्यादातर, तो एयर कूल्ड इंजन है और उसके तकरीबन 10 से 12,000 आरपीएम है। कोई भी बड़ा इंजन है 500 सीसी है 600 सीसी इंजन है जिसके 12,000 मैक्स आरपीएम है, तो एक ये बड़ा बैलेंस इंजन कहलाता है कि जिसके अंदर आपको टॉर्क भी मिलेगी, वो एक टूरिंग के लिए बहुत अच्छा इंजन है, और अगर ऑयल कूल्ड है या एयर कूल्ड है जस्ट लाइक GS 500 तो वो एक बहुत फ्यूल एफिशिएंट इंजन होगा। जो लॉन्ग स्ट्रोक के इंजन होते हैं वो बहुत फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। जो ओवरस्पीड इंजन होता है ना जिसके बोर बड़े होते हैं स्ट्रोक छोटा होता है वो उसमें दौड़ ज़्यादा होती है, उसमें इनिशियल टॉर्क इतनी नहीं होती लेकिन उसमें दौड़ बहुत होती है। हाईवे पे भगाएंगे तो वो शूं करके निकल जाएगा आगे, लेकिन जो इनिशियल जो एकदम टॉर्क नज़र आएगी ना आपको वो आपको नज़र आएगी लॉन्ग स्ट्रोक के अंदर। जो ओवरस्पीड इंजन होता है उसके अंदर ना आपको हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी उसमें से। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ आपकी बाइक्स के अंदर। अब CG 125 है वो एक ओवरस्केयर इंजन है, स्लाइटली ओवरस्केयर है, 0.2 मेरे ख्याल में mm का फ़र्क है, आई एम नॉट श्योर, हाँ कुछ इस तरह ही है। और जो आपका YBR का वो स्केयर इंजन है, स्केयर इंजन बड़ा एक बैलेंस इंजन होता है बाइक के लिए। एक गाड़ी के अंदर 600 सीसी और एक बाइक का 600 सीसी में यही फ़र्क है कि गाड़ी का जो है लोअर कंप्रेशन रेशो होगी उसकी, और जो कि हमारा आइंदा की वीडियो का टॉपिक है कंप्रेशन रेशो, और उसके अंदर अंडरस्केयर इंजन होता है गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर टॉर्क ज़्यादा होती है, मतलब गाड़ी का वज़न ज़्यादा होता है। तो आपने ओवर जब आपने पहला इनिशिएट करना है तो वो आपको पावरफुल होगा। वही बाइक का इंजन आप 600 सीसी गाड़ी के अंदर डाल देंगे तो वो उससे पहले स्ट्रेट से नहीं चला जाएगा, जब तक वो स्पीड में नहीं जाएगा वो बाइक इंजन उसको उठा ही नहीं सकता। कभी आप देखिए तजर्बे जो बाइक के इंजन गाड़ी में लगाए होते हैं, इवन हायाबुसा के भी लगाया होता है, तो पहली दफ़ा उठने में उसको बड़ी मुसीबत होती है करके जब, लेकिन जब स्पीड पकड़ते हैं तो फिर पकड़ा ही नहीं देता, ये बिकॉज उसका वो एक बहुत ओवरस्पीड इंजन है। और आपका ये चीज़ आप देखें आपको ये नज़र आएगी फार्मूला 1 के अंदर, बहुत एग्जैजरेटेड उसके अंदर फार्मूला 1 के अंदर, फार्मूला कार के अंदर जो बोर बहुत बड़े बड़े रखे जाते हैं, स्ट्रोक बिल्कुल छोटे 18,000 आरपीएम अचीव करने के लिए, तो वो पेट्रोल तो बहुत फूंकती है लेकिन उसकी स्पीड आप देखें बहुत ज़्यादा है, बहुत परफॉर्मेंस, ब्रेक हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ना इसके अंदर एक मसला होता है कि जो ओवरस्पीड इंजन होता है ना वो उसकी लाइफ कम होती है। मोटो जीपी की बाइक्स हो गई, आपकी फॉर्मूला कार्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा नहीं चलती, मतलब एक रेस के बाद इनको रिबिल्ड चाहिए होता है। जो अंडरस्केयर इंजन होता है ये बहुत लॉन्ग लाइफ होता है इंजन, क्योंकि ये एफिशिएंट होता है, फ्यूल एफिशिएंट होता है, इसके अलावा थर्मल एफिशिएंट होता है। ये मैं गुजर रहा हूँ GI8 में से, बड़ा ही प्यारा सेक्टर है, मुझे बड़ा बैलेंस्ड सेक्टर लगता है। यार धूप सामने से है ये ना फिर मेरी फुटेज ख़राब हो जाए। जो YBR के अंदर इंजन है वो आपका एक स्केयर इंजन कहलाता है, और स्केयर इंजन का 54 mm का ही इसका बोर है, 54 का ही स्ट्रोक है, तो इस पर एक बड़ा अच्छा बैलेंस मिल जाता है। और इस चीज़
और इसकी पावर को कॉम्पनसेट किया जा रहा है इसके कंप्रेशन रेशियो से, जो कि 10:1 है। और जो CG125 है उसका है तो स्लाइटली ओवर स्केयर, जिसकी वजह से वो पेट्रोल भी खाता है, और लेकिन उसकी कंप्रेशन रेशियो 9:1 है, तो वहाँ से थोड़ा सा वो स्लाइटली मार खाता है। और सबसे बड़ी मार खाता है वो ओवरहेड वाल्व ट्रेन की वजह से, जो कि अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मेरी OHV वर्सेस OHC की वीडियो है, वो आप देखिएगा। तो आइंदा अगर आपका शौक है कि मैं भगाऊं बाइक, मुझे रेसर बाइक चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप ओवर स्केयर इंजन की तरफ जाएं, जिसका बोर बड़ा हो, स्ट्रोक छोटा और कंप्रेशन रेशियो हाई हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे टूरिंग के लिए चाहिए, तो आपको लॉन्ग स्ट्रोक या स्केयर इंजन चाहिए, और उसका भी कंप्रेशन रेशियो आपको बहुत हाई नहीं चाहिए, मतलब 10:1 एक बहुत अच्छा कंप्रेशन है, और 9:1 अगर बड़ा इंजन है, जैसे 500 है उसका 9:1 है, और वो एक बड़ा ही बैलेंस्ड इंजन है। बड़े सीसी में आप इसको इस तरह कवर कर सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप टूरिंग बाइक लेके आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए दौड़े मारेगा, ऐसा नहीं होगा। और एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक लेके या जिसका ओवर स्केयर्ड इंजन हो, आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेरी चढ़ाइयाँ चढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये टूरिंग वगैरह मैं करूँ उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। तो पेट्रोल की एफिशिएंसी चाहिए तो आपको अंडर स्केयर इंजन चाहिए, और आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको ओवर स्केयर्ड इंजन चाहिए। यार ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है, C180 2003-04। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई और टॉपिक की कन्फ्यूजन हो तो मेरे से फेसबुक और इंस्टा पे कनेक्ट कीजिएगा, और उन टॉपिक्स के कमेंट सेक्शन में बताइए जो आपको, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।